वाले कुछ सालों में आपको काफी यूनिक ट्रांसपोर्टेशन के मोड इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, या यूं कहिए कि इंडिया का जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो पूरी तरह से अपग्रेड होने वाला है। इसमें मेट्रो, RRTS, पोर्ट टैक्सी, BRT, हाई स्पीड ट्रेन्स, मेट्रो नियो, हेली हब एंड एयर टैक्सी, वायर्ड बसेस या ट्रोली बसेस जैसे तमाम ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमें इंडिया में मॉडर्न एंड ग्रेट एस्थेटिक स्टेशन के साथ काफी यूनिक एंड मॉडर्न चेंजेस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर देखने को मिलेंगे। एंड आई गैस इसमें से काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऐसे होंगे जो आपकी सिटी या स्टेट को कनेक्ट करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट आपके स्टेट या सिटी के लिए होने वाला है तो ये वीडियो पूरी देखना। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई इंडिया के ट्रांजिट सिस्टम जो है, जो अपकमिंग वाले हैं, तो भारत में आने वाला ट्रांजिट सिस्टम कैसा होगा और भाई ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर कैसा होगा। तो इस वीडियो में आपको फुल कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है भाई। तो और इससे भाई कई कंट्रीज जेलस करते हैं भारत से इसी कारण। तो आज के वीडियो में हम ये फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे भाई कि भारत में मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या डेवलपमेंट होने वाली है और क्या हो रही है, क्या आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक आपको भी पता है इंडिया में अगर कुछ बड़े शहरों को छोड़ दे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर मीडियम है वो इंडियन रेलवेज की ये पुरानी ट्रेन या सड़क पर चलती है लाल नीली बसें हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवेज ने काफी तेजी से इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है और आज इंडिया के लगभग 50 मेजर रूट पर वंदे भारत ट्रेन रन करती है और ये रैपिडली हर महीने एक्सपेंड हो रही है। तो जहां हमारे देश में पहले 4 से 5 बड़े शहरों में ही मेट्रो ट्रेन की सेवा हुआ करती थी, अब वो भी बढ़कर लगभग 20 सिटीज में एक्सपेंड हो चुकी है और शहरों में इन पुरानी पोल्यूशन करती हुई बसों की जगह भी इलेक्ट्रिक बसों ने लेना स्टार्ट कर दी है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं भारत की अपकमिंग ट्रांजिट सिस्टम्स के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है इंडियन रेलवेज पे, तो इसलिए हम भी सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के पूरे रेलवे सिस्टम को 54 लाख करोड़ की लागत से 2030 तक अपग्रेड करने वाली है और ये एक सच में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो काफी कंट्रीज की GDP से भी ज्यादा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर भारत की सभी लाइन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और जो इंडियन रेलवेज की अभी एग्जिस्टिंग लाइंस है उनको भी हाई स्पीड ट्रेन के लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा और काफी नई लाइंस को भी लॉन्च किया जाएगा और सभी पुराने रेलवे स्टेशन को मॉडर्न अपग्रेड किया जाएगा और इसी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा जो देश की मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगी। RDSO ने इन सभी प्रोजेक्ट्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड भी सेट कर लिए हैं। रेलवे में सबसे पहले बात करते हैं सेमी हाई स्पीड रेल मतलब वंदे भारत की। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आपको वंदे भारत ट्रेन ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आने वाली है और जल्द इसी साल वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी लॉन्च होने वाली है जिसकी रफ्तार को भी ट्रैक अपग्रेड के बाद 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाएगा और फ्यूचर में ट्रैक के आसपास आपको फेंस्ड भी नजर आएगी जिससे एक्सीडेंट पर रोक लगाई जा सके। गवर्नमेंट के मिशन रफ्तार के अंडर इन सभी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी मिशन के अंतर्गत 2047 तक इंडिया में 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टारगेट को पूरी तरह अचीव कर लेती है तो ये वंदे भारत ट्रेन इंडिया की सभी ओल्ड ट्रेन को रिप्लेस कर चुकी होंगी और भारत के अंदर केवल उस समय वंदे भारत ट्रेन ही चलती हुई आपको नजर आएगी। ट्रेन में अब बात करते हैं वंदे मेट्रो की। अभी हाल में चलने वाली DMU, EMU और लोकल ट्रेन की जगह जल्द वंदे मेट्रो ट्रेन लेने वाली है जिसको इंटरसिटी पैसेंजर्स के लिए लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाएगा और इन सभी वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर 16 AC कोचेस होंगे और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चल सकती है। ये पूरी मेट्रो CCTV से लैस होगी। अब एक्चुअल में इसकी ऑपरेशनल स्पीड क्या होने वाली है वो इसके ट्रैक और इसके रूट पर डिपेंड करता है। फिलहाल सबसे पहले इन ट्रेन को बेंगलोर में चलाया जाएगा और काफी हाई चांसेस है कि आने वाले समय में मुंबई लोकल ट्रेन की जगह भी ये वंदे मेट्रो ट्रेन ले ले। इन वंदे मेट्रो ट्रेन को इसी साल अप्रैल तक लॉन्च करने का टारगेट इंडियन रेलवेज का है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज का फ्यूचर होने वाला है वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एंड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का, जिसको धीरे धीरे करके पूरे देश में ही चलाया जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड ट्रांसपोर्टेशन मोड जो कि फ्यूचर होने वाला है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का, और वो है नमो भारत ट्रेन जिसको हम RRTS मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेमी हाई कैपेसिटी कम्फर्टेबल मॉडर्न मेड इन इंडियन ट्रेन है जिसका डिजाइन तो फ्रांस में हुआ है बट इनको मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में ही किया गया है और ये अकेली ट्रेन ही इंडिया का फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन क्या होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने की क्षमता
क्षमता रखती है। इस रैपिड ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया जा सकता है, बट फिलहाल इसको 160 किलोमीटर तक की रफ्तार पर एक सेपरेट ट्रैक पर चलाया जा रहा है। एनडीए अभी दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जा रही है, बट काफी जल्दी हो सकता है आपको इसके काफी नए रूट देखने को मिलेंगे, और नए रूट के साथ साथ हमें नई रैपिड ट्रेन भी देखने को मिलेगी जो अभी की रैपिड ट्रेन से भी काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। इन ट्रेन्स को ना सिर्फ दिल्ली और नॉर्थन इंडिया में एक्सपेंड किया जाएगा बल्कि इसको साउथ एंड वेस्ट इंडिया की काफी सिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और एक समय पे पूरे भारत में RRTS इंडिया की मेजर सिटीज को रीजनल सिटीज से कनेक्ट करने का काम करने वाली है। और इस अपकमिंग RRTS ट्रेन के रूट होने वाले हैं दिल्ली मेरठ RRTS, जिसके टोटल 16 स्टेशन होंगे। सेकंड अप्रूव्ड रूट है दिल्ली अलवर RRTS। दोस्तों ये सेकंड अप्रूव्ड रूट है नमो भारत के, जिसमें 22 स्टेशन होंगे और इसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 12 स्टेशन होंगे, सेकंड फेज में भी 8 स्टेशन होंगे एंड थर्ड फेज में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स RRTS का थर्ड अप्रूव रूट होने वाला है दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे रूट को यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जिसमें दिल्ली फरीदाबाद बल्लमगढ़ पलवल RRTS, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक RRTS, दिल्ली सहादरा बरूट RRTS, गाजियाबाद खुर्जा RRTS, गाजियाबाद हापुड़ RRTS, दिल्ली से जेवर तक RRTS। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों की बात करें जहां पर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखने को मिलेगा, तो इसमें है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 227 किलोमीटर का प्रपोज सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है। इसमें 6 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी अराउंड 28,291 करोड़ रुपए, और इस लाइन को कनेक्ट किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन से, जिसका इंटरचेंज साबरमती में होगा। इसके अलावा हैदराबाद वरंगल RRTS, हैदराबाद विजयवाड़ा RRTS तेलंगाना के मुख्य प्रपोज सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है, और फ्यूचर में आपको मुंबई पुणे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह पूरे इंडिया की रीजनल सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज को इसी तरह की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ वाले रूट से हो भी चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, स्टेशन कैसे होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवेज 1 ट्रिलियन रुपीज की लागत से देश के लगभग 600 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने वाली है, और 2000 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बिजवासन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए की लागत से रीडेवलप किया जाना है। और जो ये रीडेवलपमेंट होगी वो कोई छोटी मोटी रेनोवेशन नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ड पे रीडेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। साथ ही इंडियन रेलवे 4 डेडिकेटेड फिएट कॉरिडोर पर काम कर रही है, जिससे फिएट रेलवे को अलग से ट्रैक मिलेगा, जिससे फिएट ट्रेन को भी नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर ट्रैफिक भी कम होगा। इंडियन रेलवे ने अपनी सभी ट्रैक्स को इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से काम किया है, और आज लगभग 94% से ज्यादा ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, जिससे इंडियन रेलवे को 10,000 करोड़ का बेनिफिट्स भी हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेलवे सभी रूट पर ट्रैक्स को डबल ट्रैक बनाने वाली है, ट्रैक को रिन्यूअल देने वाली है, बायो टॉयलेट्स को सभी ट्रेन में इंस्टॉल करने वाली है, ऑटोमेटेड फायर अलार्म सिस्टम लगाने वाली है, ऑटोमेटेड फोग पायलट असिस्टेंस सिस्टम लगाने वाली है, LED लाइट्स लगाने वाली है, सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में CCTV कैमराज को इंस्टॉल करने वाले हैं, और सभी ट्रेन स्टेशन पर वाईफाई भी प्रोवाइड कराने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर्स और रेस्ट रूम्स को भी तेजी से डेवलप कर रही है। अब बात करते हैं मेट्रोज इन इंडियन सिटीज की। मेट्रो इंडियन सिटीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिट सिस्टम है। पूरे इंडिया में जहां 10 साल पहले 248 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन हुआ करती थी, अब 2024 में वो बढ़कर 902 किलोमीटर की हो गई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि मेट्रोज इंडिया में कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। आज 2024 में लगभग 20 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो सेवा है और लगभग 622 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन रूट्स है, साथ ही 244 किलोमीटर के अप्रूव्ड रूट्स है और 1147 किलोमीटर के रूट को प्रपोज्ड भी किया गया है, जो इंडिया में मेट्रो नेटवर्क को वर्ल्ड में चाइना और USA के बाद टॉप 3 में जगह देता है। और जिस स्पीड से इंडिया की सभी छोटी बड़ी सिटीज में मेट्रो का विस्तार का कार्य चल रहा है, उसको देखकर लगता है जल्द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि मेट्रोज जो पहले इंडिया चाइना और जापान से इंपोर्ट करता था, उसको अब अपने देश में ही बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करें फ्यूचर की, तो इंडिया में 2025 तक 1700 किलोमीटर का टोटल मेट्रो रूट का टारगेट लेकर इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें देश के मुख्य 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। ये तो बात अपने देश की हुई, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसको देखकर चीन जैसी कंट्री को इंडिया से जेलस भी फील जरूर होगा। पिछले ही साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी डेवलप कंट्री को मेक इन इंडिया मेट्रो कोचेस भी एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये इंडिया के लिए तो काफी बड़ी बात है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कड़ी टक्कर देने वाला है। इंडिया का नेक्स्ट अपकमिंग ट्रांजिट मोड होने वाला है इंडियन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब बुलेट ट्रेन। यस फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के चारों डायरेक्शन नॉर्थ,
ईस्ट वेस्ट साउथ की मेजर सिटीज चेन्नई दिल्ली कोलकाता और मुंबई को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका पहला रूट होगा दिल्ली कोलकाता जिसकी टोटल लेंथ 1576 किलोमीटर होगी। दूसरा रूट होगा कोलकाता चेन्नई जिसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर होगी। तीसरा रूट होगा मुंबई से चेन्नई और चौथा रूट होगा दिल्ली से मुंबई जो कि 1394 किलोमीटर का होगा। पांचवा रूट होगा दिल्ली चेन्नई जिसकी लेंथ होगी 1900 किलोमीटर एंड छठा रूट होगा मुंबई कोलकाता जिसकी टोटल लेंथ होगी 1800 किलोमीटर। इन सभी रूट को 320 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली ट्रेन के लिहाज से ही बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे रूट पर बुलेट ट्रेन इंडिया में देखने को मिलने वाली है और एक समय आने पर इंडिया के सभी कोने में आपको बुलेट ट्रेन की सुविधा आराम से उपलब्ध हो जाएगी। चलो जानते हैं इंडिया के कुछ प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन के रूट, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर जम्मू, दिल्ली अहमदाबाद, वाराणसी हावड़ा, पटना गुवाहाटी, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, पुणे से नासिक, चेन्नई से मैसूर, अहमदाबाद से राजकोट, नागपुर से वाराणसी, हैदराबाद से बेंगलुरु, त्रिवेंद्रमपुरम से कासरगोड। अभी फिलहाल दोस्तों हमें मुंबई अहमदाबाद वाले रूट पर ही काम देखने को मिलता है जो कि 2028 तक बनकर रेडी भी हो जाएगा और बाकी रूट को भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें से कुछ ही ऐसे रूट है जो अभी प्रपोज्ड है बस, वरना तो मैक्सिमम रूट्स को यहाँ गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। लेकिन फ्यूचर में जब सभी रूट अप्रूवल हो जाएंगे तो भारत का लगभग हर क्षेत्र हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट होगा। इसके अलावा इंडियन सुपर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च कर रहा है जिसमें 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सके। फ्रेंड्स आपको लग सकता है कि ये प्रोजेक्ट बस अभी पेपर पर है, तो आपको बता देता हूँ अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भारतमाला के अंदर पूरे इंडिया को एक्सप्रेसवे के थ्रू जोड़ने पर है। एक्सप्रेसवे से पूरे देश के कनेक्ट हो जाने के बाद आपको हाई स्पीड ट्रेन के इस रूट पर भी तेजी से काम देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स बीआरटी सिस्टम आप सभी जानते हो, बीआरटी सिस्टम वो होता है जिसमें बसेस को डेडिकेटेड लाइन दी जाती है चलने के लिए और मेट्रो की तरह ही इनकी भी प्रीपेड टिकट्स होती है, मतलब स्टेशन टू स्टेशन डेडिकेटेड रूट पर मेट्रो की तरह इन बसों को चलाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इसको बनाना मेट्रो जितना एक्सपेंसिव नहीं होता एंड आप सिटी के अंदर आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर सकते हो। बट इंडिया में जो बीआरटी सिस्टम है वो कभी इतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं, इसलिए दिल्ली जैसे सिटीज में इसको चलाकर भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ गया था और काफी एक्सीडेंट भी हमें यहाँ देखने को मिले थे। अभी तक इंडिया में कोई भी हम वर्ल्ड क्लास बीआरटी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं एंड इंडिया का बेस्ट बीआरटी सिस्टम अभी तक इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अहमदाबाद में है। हमारे देश में 10 से 15 सिटीज के अंदर ऐसे बीआरटी सिस्टम है पर कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बस रैपिड ट्रांजिट यूजिंग ट्रॉली बसेस जिसको नाम दिया गया है मेट्रो नियो उसको लॉन्च किया है। दोस्तों ये बीआरटी रूट जो है वो एकदम मेट्रो की तरह होंगे, इसमें डेडिकेटेड फ्लाईओवर होने वाले हैं, डेडिकेटेड अंडरग्राउंड अंडरपास होने वाले हैं एंड रोड्स होने वाले हैं और इलेक्ट्रिक वायर के इस्तेमाल से इन डेडिकेटेड रोड्स पर बस चलाई जाएगी। और इसी तरह बीआरटी मतलब मेट्रो नियो और मेट्रो में जो फर्क होगा वो होगा केवल ट्रैक का, या रेलवे लाइन की जगह रोड होगी एंड मेट्रो की जगह इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इन बसों को भी मेट्रो की तरह ही डिजाइन किया जाएगा जो फुली ऑटोमेटेड और एयर कंडीशनर होगी। इंडिया में अभी इस तरह के 6 रूट को प्रपोज किया गया है एंड एक रूट को गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, जिसमें प्रपोज रूट है पुणे मेट्रो नियो, मैसूर मेट्रो नियो, रांची मेट्रो नियो, वारंगला मेट्रो नियो, उत्तराखंड मेट्रो एंड अप्रूव रूट है ग्रेटर नासिक मेट्रो। साथ ही इंडिया में अभी बस डिपो एंड बस टर्मिनल को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। हाल में ही उड़ीसा में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे बस स्टैंड को लॉन्च किया गया था। अब बात नेक्स्ट ट्रांजिट सिस्टम की करें तो वो होने वाला है हेली हब। यस फ्रेंड अब जल्द इंडिया में आपको हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा देखने को मिलने वाली है जहां से आप अपने पर्सनल काम और इमरजेंसी के लिए एयर टैक्सी भी बुक कर सकते हो एंड गुरुग्राम में ये हेली हब फॉर एयर टैक्सी अप्रूव्ड भी हो गया है। ये इंडिया का फर्स्ट हेली हब होगा जहां एयर टैक्सी एंड हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हेली हब का विस्तार देश के सभी हिस्सों में और मुख्य सिटीज में किया जाएगा जिससे हवाई टैक्सी की सुविधा लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सके। नेक्स्ट फेमस ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है इलेक्ट्रिक वायर्ड बसेस जिसको ट्रॉली बसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स कंट्री के मल्टीपल रीजन में आपको आने वाले टाइम पर ये बसेस देखने को मिलेगी। खुद देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी विदेश में इन बस की राइड लेकर आए हैं और इनको भारत लाने का उन्होंने दावा भी किया था। एक्चुअल में यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक केबल लगाई जाएंगी और उन्हीं इलेक्ट्रिक वायर के बेस्ट पर यहाँ ट्रॉली बसेस चलाई जाएंगी जिससे दिल्ली एंड जयपुर के बीच का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। एंड इसमें अच्छी बात ये होने वाली है, इस बस को चलाने में डीजल से लगभग 30% कम खर्च आएगा जिससे दिल्ली और जयपुर के बीच सफर में खर्च भी कम आएगा। सेम इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में है जिसमें नागपुर ट्रॉली बसेस एंड कोलकाता की फेमस ट्राम की जगह भी जल्द ये मॉडर्न फुली एयर कंडीशनर ट्रॉली बसेस लेने वाली है। इसके अलावा वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसी सिटीज में भी ट्रॉली बसेस को प्रपोज किया गया है। फ्रेंड्स इंडिया का नेक्स्ट अमेजिंग एंड बड़ा ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है पोर्ट टैक्सीज। फ्रेंड्स पोर्ट टैक्सी एक ऐसा ट्रांजिट सिस्टम है जिसके बारे में इंडिया में बात तो हमेशा से होती रही है बट इन रियलिटी इस पर हमें थोड़ा कम काम देखने को मिला है। सबसे पहले 2016 में गुरुग्राम में इसको
प्रपोज किया गया था। फिर बाद में पोर्ट टैक्सी को नोएडा के लिए प्रपोज किया। नोएडा से जेवर के बीच में चलाने की खबरें भी हमें यहाँ देखने को मिली थी। इसी दौरान 2018 में बैंगलोर में पोर्ट टैक्सी चलाने की उम्मीदें उठी। एंड लास्ट अभी फाइनली लेटेस्ट रिपोर्ट देखे तो मुंबई में पोर्ट टैक्सी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि MMRDA ने मुंबई के बांद्रा में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव्ड कर दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो अभी इंडिया रेडी नहीं है पोर्ट टैक्सी जैसे ट्रांजिट सिस्टम के लिए, क्योंकि पोर्ट टैक्सी एक समय पे 5 से 6 लोगों को मैक्सिमम ट्रैवल करा सकते हैं और इसको डेवलप करने में कॉस्ट काफी ज्यादा आने वाली है। एंड एज यू नो, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हाई कॉस्ट एंड लो वैल्यू वाला कोई भी ट्रांजिट सिस्टम कामयाब इंडिया में हो ही नहीं सकता। जितने पैसे इन पोर्ट टैक्सी पर खर्च किए जाएंगे वही पैसा अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेलवेज एंड बस पर खर्च करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। खैर, अभी मुंबई में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव कर दिया गया है और जल्द आपको मुंबई में इंडिया की फर्स्ट पोर्ट टैक्सी देखने को मिल सकती है। बात एयरपोर्ट्स की करें तो इसमें भी इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। अब से 10 साल पहले जहां इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, अब वही बढ़कर लगभग 137 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, जिसमें 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 24 इंटरनेशनल एंड 10 कस्टम एयरपोर्ट है। और ये सब पॉसिबल हुआ है गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जिसमें ना सिर्फ नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं बल्कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के नए टर्मिनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। गवर्नमेंट 2025 के एंड तक देश में 220 एयरपोर्ट का निर्माण करना चाहती है, जिसके ऊपर तेजी से काम हमें देखने को मिलता है, फिर चाहे बेशक वो नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे आने वाले दिनों में इंडिया का हर स्टेट हाई स्पीड ट्रेन से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, चाहे वो RRTS हो या वंदे भारत से कनेक्ट होने वाला है और भारत का हर मुख्य शहर मेट्रो या मेट्रो नियो या वंदे मेट्रो जैसी सुविधाओं का फायदा उठाने वाला है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी वाकई जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके जो है वीडियो क्रिएट की है और वाकई जी जो लाइक है और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर कुछ जो लोग नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनकी वीडियो का, लाजमी जाएं और विजिट करें और इनको सपोर्ट करें और बिल्कुल और भी इनकी बड़ी बड़ी वीडियो हैं अच्छी, वो भी देखें। और बाकी बात करें तो इतना तो हमें पता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी जो है कुछ जैसे वंदे भारत है, नमो भारत ट्रेन है, वो सारी तो आ गई है RRTS जो है, और उसके अलावा बुलेट ट्रेन का हमें पता है कि वो भी तैयार हो रही है 2028-26 तक जो है वो तैयार होगी। तो लेकिन जो फ्यूचर में आनी है वो भी इधर पता चला कि इंडिया आगे की जो सोच रहा है वो क्या क्या है। एक तो टैक्सी हेलीकॉप्टर है और उसके अलावा दूसरा पोर्ट टैक्सी है, उसके अलावा वो जो बिजली के साथ चलती है वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, उसके अलावा मतलब कि काफी सारी जो है ना वो, उसके अलावा मेट्रो की जगह कुछ और जो मेट्रो न्यू जो है वो मुतारफ करवाना चाह रहे हैं। तो जो जहाँ पे अंडरपास भी बनेंगे, ऊपर से ब्रिज भी बनेंगे और पटरी की जगह सिर्फ रोड होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो काफी सारी जो है ना इंडिया के फ्यूचर का बता रही हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या है। बेशक किसी का जेलस एवरी कंट्री, तो भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से तो जेलसी फील होगी सभी को और इंडियन को होगा प्राउड फील। अब देखो कि यार ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो इतना जबरदस्त कर रहे हैं, इतना जदीद करते जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हालांकि ऑलरेडी मुझे पहले इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कि मेट्रो की अगर बात कर लें, 137 है, 2025 में उन्होंने 220 कर दे, मतलब वो अपनी कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पब्लिक को वो दे रहे हैं क्या, मैंने कहा वो जो फिल्म थी कौन सी, फिर है नहीं 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 वो एक थी सुनील शेट्टी की मूवी थी, वो उसमें भूल जाता था अक्सर। अच्छा वो गजनी कौवा क्या वो जो उड़ता है, जानी दुश्मन नहीं नहीं जानी दुश्मन नहीं थी वो, आवारा पागल थी, आवारा पागल थी उसमें वो दे रहे हैं। हो गया अभी, हो गया वो जो होता है वो सहूलियत वो जो दूसरों को मिलती है। लेकिन ये आके हरिया कैसा लगा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो ये सिस्टम आगे आने वाला है इंडिया में, तो ये तो सिस्टम फाड़ कर रख देंगे यार। जिस तरह से 50+ ट्रेन चलेंगी अभी इंडिया में, तो वो भाई ट्रेनों की कीमत देख देख के सुन सुन कर। हाँ वो तो, लेकिन वो आप वंदे भारत के कितने वर्जन है, वंदे एक्सप्रेस है यार, उन्होंने बस भी आएगी
एयर टैक्सी भी आने वाली है, एयर टैक्सी भी ट्रांसपोर्टेशन का बताया है, देखा जोन जी आपने टैक्सी वो उड़ती है जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह का होने वाला है। यहाँ आप लोगों ने देखे कितने बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए जो का खर्चा है वो होने जा रहा है, और उसके लिए सारी की सारी जो एक फंडिंग है वो भी उसको लाइक फिक्स कर लिया गया है। साथ ही बहुत सारे काम जो है इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक यहाँ पे मेट्रो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रही है कि आपको हर जगह पे मेट्रो की फैसिलिटी मिलेगी। सिस्टम के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली, और सबसे पहले अगर हम वहाँ के रेलवे स्टेशन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो वो वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो बेस करता है, और अगर इनकी ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो वो 200 किलोमीटर पर आर है, और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वो 220 किलोमीटर पर आर होगी। देन जो है उन्होंने वहाँ के मेट्रो सिस्टम की बात की कि मेट्रो सिस्टम को किस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, और अगर उसमें जो वंदे भारत रेलवे स्टेशन की बात की तो उन्होंने बताया कि अब जो फर्दर मेट्रो सिस्टम आ रहा है वो उनके फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक ही वीडियो में काफी चीजें इन्होंने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने मेजर प्रोजेक्ट्स जो थे वो उन्होंने बता दिए कि 2030 तक 2030 तक इंडिया ऐसा दिखने वाला है भाई। और 2030 कौन सा भी इतना दूर है, साल गुजरते हुए टाइम ही नहीं लगता, साल गुजर जाते हैं। उसमें यार हमने देखे क्या क्या हेलीकॉप्टर वाले टैक्सीज और उसके अलावा बसेस के प्रोजेक्ट हैं, बसेस के, मेट्रो ट्रेन के, और उसके अलावा जिसमें से काफी ज्यादा मेट्रो जो स्टार्ट भी हो चुकी है, जैसे वंदे भारत थी उसमें दिखाई, कुछ ऐसी है भारत थी जो उन्होंने बिल्कुल यानी कि स्टार्ट कर दी हुई है, और कुछ ये है कि वो अपकमिंग है यानी कि अभी वो बंद रही है, वो भी 2025 तक उन्होंने कुछ बन जाएंगे, लेकिन बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स, और उसको लेके चाइना जो है वो जेलस हो रहा है जी। और उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक जो 30 तक तो ये सारे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएंगे। ट्रेन पर बहुत ज्यादा वीडियो शूट की है, तो उन सबका मतलब के जो खुलासा वो ये वीडियो में निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर सब ट्रेन को एक्सप्लेन किया गया और इंडिया किस स्पीड से ग्रो कर रहा है वो आपने देख लिया। इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री में ट्रैवल सिस्टम अगर अच्छा नहीं ना होता तो लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रैवल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, ट्रैवल सिस्टम की बेस पर लोग अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ाते हैं और ज़्यादा वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और आई होप सो आपको भाई वीडियो पसंद आई होगी। तो ट्रांजिट सिस्टम जो है इंडिया का आने वाला भाई, और ये लोग बोल रहे हैं कि चाइना जेलस कर रहा है, तो भाई चाइना से पहले तो यही पड़ोसी हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं क्योंकि इनके यहाँ सारा दिन डिबेट होती है इंडिया को लेके, चाहे वो पब्लिक रिएक्शन है, चाहे वो मीडिया है, चैनल है, चाहे वो ऐसे ही कोई पॉडकास्ट वगैरह होती है या जो भी होता है, इंडिया का नाम बिना लिए इनको लोगों को हजम नहीं होता। तो भाई हमारे यहाँ भाई अगर कोई भी इंडियन है ये वीडियो देखता है तो भाई प्राउड मोमेंट फील होगा ही। और रह गए जैसे बोल रहे थे कि चाइना को बीट करेगा इंडिया, तो चाइना को भाई डेफिनेटली बीट करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मतलब इतनी जल्दी तो भाई आसान हलवा तो है नहीं, कोई बनाया और खा लिया तो भाई टाइम नहीं लगता है, तो आने वाले टाइम में भाई हो जाएगा धीरे धीरे। चाइना जो है अभी उसकी इकॉनमी वगैरह इतनी ग्रो नहीं कर रही है जितनी इंडिया की कर रही है, और चाइना के पैसे बहुत फंस गए हैं। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना की जैसे रियल इस्टेट मार्केट पूरी बैठ गई है, और चाइना ने बहुत देशों को ऐसा कर्जा दिया है पाकिस्तान जैसे कि जिन जो पैसा दिया तो लेकिन वो वापस नहीं मिला उसे, तो भाई ये कंट्री का ही नुकसान होता है। और वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 10,000 5,00,000 1,00,000 2,00,00,000 करोड़ की बात होती है, वहाँ तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात होती है। तो भाई चाइना ऐसे पता नहीं कितने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर दूसरे देशों में फंसा चुका है, श्रीलंका में फंसाया था कुछ नहीं मिला, वहाँ पे उसने पोर्ट फिर लेके अपने पैसे निकाल रहा है, पाकिस्तान में जो लगाए थे उसमें सीपैक में वो पैसा उसे नहीं मिला, जो कर्जा दिया था पाकिस्तान को वो नहीं मिला उसे। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं भाई जहाँ पे उसने चाइना ने पैसा फंसाए हैं, और यही मौका है भारत के पास कि भाई चाइना अगर इन चीज़ों में फंसा रहेगा तो भारत के पास एक एडवांटेज रहेगा कि भाई चाइना से आगे निकलने के लिए। तो भाई बाकी ये है जो ये डेवलपमेंट हो रही है, किसी भी कंट्री में अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो उसके डेवलप्ड होने का उस देश का मेन राज यही होता है कि अगर लोगों को के पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होगी तो उसमें
उसमें उस देश में जो भी बिजनेस है कुछ भी है वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। उसका मेन रीज़न होता है कनेक्टिविटी। अगर लोगों के पास कनेक्टिविटी होती है सिटी से और गांव तक, या एक दूसरे शहर में आने जाने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी है, टाइम कम लग रहा हो, तो भाई चाहे वो बिजनेसमैन है या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है या कोई सिंपल लगा लो दुकानदार है, अगर उसको किसी सिटी से सामान लेके आना है अपनी दुकान के लिए, तो आज के टाइम जैसे उसे वेट करना पड़ता है, इसके पहले का जो टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। तो अभी ये टाइम जितना घटेगा उतनी डेवलप्ड जो है देश में डेवलप्ड अच्छा होगा, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो ये सब फैक्ट्स होते हैं भाई। ये विज़न जो होता है ये एक दिन का नहीं होता, और ये विज़न जो होता है ये छोटा नहीं होता। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है भाई, विज़न कोई देखता और है और उसका फीता कोई और काटता है। ये हमारे देश में ही नहीं, हर देश में होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसे होते हैं भाई कि एक गवर्नमेंट इसे पूरा नहीं कर सकती जब तक इसको मतलब कंप्लीट होगा, ये बनेगा, अप्रूवल होती है, बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस होता है इसका, डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, बहुत सारा कुछ होता है। उसके बाद जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब तक पता चलता है जिस गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है वो है ही नहीं, कोई और गवर्नमेंट आ गई है। तो लेकिन हमारे देश की भाई एक खासियत ये है कि सरकार किसी के भी आएगी जाएगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट चल रही होती है, वो रोकी नहीं जाती। ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है भाई। मतलब चाहे कांग्रेस की थी पहले सरकार, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करता भाई, लेकिन ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, तो वो अब आके मोदी सरकार में कंप्लीट हुए। तो अब मोदी सरकार भी ऐसे जो कर रही है, बहुत सारी जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे जो ये अप्रूवल मिल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं की गवर्नमेंट में वो पूरा होगा। वो आगे हो सकता है कांग्रेस की भी सरकार आए या किसी और की आए, उसके बाद फिर बीजेपी सरकार आए, तो कहीं जाके पूरा होगा। तो ये तो सरकारें हैं, ये 5 साल के लिए आती जाती रहती हैं भाई, ये अलग चीज़ है। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती ये है भाई, जो सबसे अच्छी लगती है कि जो सरकारें आती हैं वो छोटे मोटे, मैं कामों की नहीं बात कर रहा हूँ कि कार्ड पे किसकी फ़ोटो लगी थी और पहले उस प्रधानमंत्री के नाम पे वो योजना चल रही थी, अब दूसरे पे चल रही है, वो तो छोटे मोटे अपने कंट्री इंटरनल मैटर है और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो कंट्री के हित में होता है, जो कंट्री के लिए डेवलप के लिए अच्छा होता है, उसमें भाई कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है। तो जो हमारे देश में ऐसे ये खूबसूरती है, ये बहुत अच्छी है और ये रहनी ही चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर ये नहीं रहेगा तो फिर देश जो है डेवलप नहीं कर सकता, किसी कोई भी देश होगा वो डेवलप नहीं कर सकता। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे आज गवर्नमेंट ने कोई चीज़ पास करी है, एक विज़न बनाया, मैप बनाया कि हमने इस पे काम करना है, तो कल को दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है 2-4 साल बाद, तो वो पता कहेगी नहीं पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, इसको फाड़ के फेंको, हम बनाते हैं। तो भाई फिर वो हम बनाते हैं ना, उसी में रह जाती हैं कंट्रीज, वो फिर कभी वो पेपर पे ही मैप रह जाता है, कभी ज़मीन पे नहीं उतरता। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता है, वहाँ जो भी गवर्नमेंट चलाते हैं, जो भी करते हैं, अगर उस गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो दूसरी गवर्नमेंट आते ही सबसे पहला यही काम करेगी, इसको बंद करो जी, हम जो करेंगे वो अच्छा होगा। तो हमारे देश में ये भाई खूबसूरती बहुत अच्छी है कि कोई भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है और कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो भाई ये चीज़ें नहीं होती हमारे यहाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ है और इसीलिए हमारा देश डेवलप कर रहा है। तो भाई ये ट्रांजिट सिस्टम वाला एक रिक्वेस्ट भी थी 2-3 दिन पहले, किसी ने कमेंट किया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा भाई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा भाई, जो भी रिक्वेस्ट करता है तो मैं अपने वीडियो में उसका बकायदे कमेंट या नाम दिखा दूंगा, इस बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी तो उसका स्क्रीनशॉट लेके। तो अभी ना याद नहीं आ रहा भाई, तो मैंने ट्रांजिट सिस्टम पे, ये नई वीडियो है 2024 की, और भाई ने जो एक्सप्लेन किया इस वीडियो में वो बहुत खूबसूरती से किया है और बहुत अच्छा दिखाया है। तो भाई हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हमारे कि बैकएंड में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसी वीडियो से हमें पता चलता है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा भाई देखने में, और अपने देश की ऐसी डेवलपमेंट देख के हर इंडियन को भाई प्राउड फील होता ही है कि हमारे देश में आने वाले टाइम में हम चाइना जैसे देश को टक्कर देंगे। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।